तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं इस काफी इंटरेस्टिंग से 2-in-1 ड्रोन प्लस फैन को, जिसे कि आप फ्लिपकार्ट से सिर्फ 1000 से 1200 रुपए की प्राइस में परचेज कर सकते हो, और इसे खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इसके फीचर्स और टेस्ट करेंगे इसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो हमारा ये ड्रोन आता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में, और सामने बताया गया है कि आप इसे एज अ फैन भी यूज कर सकते हो। और बॉक्स में इस तरफ चले तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये 14 प्लस एज ग्रुप वालों के लिए है, और साथ ही साथ इसके फीचर्स को भी मेंशन किया गया है, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर इस तरफ इसकी MRP के बारे में बताया गया है, तो MRP तो है इसकी 4999, पर आप इस ड्रोन को सिर्फ 1000 से 1200 रुपए की प्राइस में परचेज कर सकते हो, और यही तो आप इसे खरीदना चाहते हो। तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारे ये 2-in-1 ड्रोन प्लस फैन। अभी हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं इसके बाकी कंटेंट्स की तरफ। फिर हमें देखने को मिलते हैं ये कुछ एक्स्ट्रा फैंस। उसके बाद आती है इस ड्रोन को चार्ज करने के लिए एक USB केबल, और बॉक्स में आखिरी में हमें देखने को मिलती है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको इस ड्रोन को किस तरह से ऑपरेट करना है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें यही सब कुछ कंटेंट जो है वो इसके बॉक्स में देखने को मिलते हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने ड्रोन की तरफ, और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो हमारा ये 2-in-1 फैन प्लस ड्रोन आता है कुछ इस तरह के कॉम्पैक्ट से डिज़ाइन में, साथ ही साथ ये काफ़ी लाइट वेट भी है। और मेरे पास है इसका ये ब्लू कलर का वेरिएंट, वैसे फ्लिपकार्ट पर आपको ये ग्रीन कलर में भी मिल जाएगा। सामने आपको UDI की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और बीच में है LED लाइट। उसके नीचे आपको देखने को मिलता है इसे चार्ज करने के लिए एक USB पोर्ट, और इसकी बैटरी की हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। और ये है इसका रिमूवेबल फैन स्टैंड। इस ड्रोन को आप फैन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और फैन मोड पर हमें इस ड्रोन को कुछ इस तरह से रखना होता है। यहाँ इस तरफ हमें देखने को मिलते हैं इसके ये सेंसर्स। इसमें हमें टोटल 3 सेंसर्स देखने को मिलते हैं, 2 साइड्स में और एक नीचे की तरफ, जिनकी मदद से ये ड्रोन जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। यहाँ इस तरफ हमें देखने को मिलता है स्विच। राइट की तरफ करने पर हम इसमें फैन मोड में स्विच हो सकते हैं, और लेफ्ट की तरफ करने पर ये ड्रोन मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। और अभी मैंने इसे फैन मोड में स्विच किया है, आप सुन सकते हो हमें कुछ इस तरह की हल्की सी आवाज़ जो है वो सुनने को मिलती है। एयर फ्लो भी हमें ठीक ठाक मिल जाता है। यहाँ सामने की तरफ ये ग्रीन कलर की लाइट हमें जो है वो देखने को मिलती है। एयर फ्लो को भी मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखायाता हूँ। इस पेपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना एयर फ्लो हमें मिलता है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इसे ड्रोन मोड में स्विच करके दिखायाता हूँ। तो इसे ड्रोन मोड में लाने के लिए हमें नीचे की तरफ दिए गए स्विच को लेफ्ट की तरफ को करना है, और अब ये ड्रोन मोड में जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ इस तरह से काफ़ी इजीली हम इसके फैन स्टैंड को रिमूव कर सकते हैं, और जब ये उड़ने के लिए रेडी होगा इसकी लाइट्स जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इस ड्रोन को उड़ाकर दिखाता हूँ। तो देख सकते हो कि हमें इस ड्रोन के साथ में कुछ इस तरह का फ्लाइट एक्सपीरियंस मिलता है। और सबसे खास बात इस ड्रोन की मुझे ये लगी कि ये चारों तरफ से कवर्ड है, और साइड में हमें सेंसर्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसे में ये वॉल या फिर बाकी चीज़ों के साथ में बिल्कुल भी टकराता नहीं, और कोई भी इसे इजीली उड़ा सकता है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी और इस पर मिलने वाले कुछ फीचर्स की। तो ये ड्रोन तकरीबन 15 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाता है, और बैटरी एक बार इसकी फुल चार्ज होने पर हमें यहाँ पर 5 से 8 मीटर का फ्लाइट टाइम मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक बैकअप है। उसके अलावा लो बैटरी इंडिकेटर है, और बैटरी लो होने पर ये लाइट्स कुछ इस तरह से ब्लिंक होती हैं, और आप इस ड्रोन को USB केबल के थ्रू चार्ज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इस छोटे से ड्रोन में हमें काफ़ी कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये आता है एल्टीट्यूड होल्ड मोड के साथ में, कलरफुल लाइट्स में हमें देखने को मिलती है, साथ ही में लो बैटरी इंडिकेटर भी है, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस का भी फीचर इसमें हमें मिलता है, साइड में और नीचे की तरफ सेंसर है,
तो ऐसे में किसी भी चीज़ के साथ में टकराता नहीं। उसके अलावा आप इस ड्रोन को इजीली कंट्रोल भी कर सकते हो, बच्चे भी इस ड्रोन को आराम से उड़ा सकते हैं, क्योंकि इस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए हमें किसी भी रिमोट कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं पड़ती और सेंसर्स की मदद से ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आखिरी में अब हम बात करते हैं कि क्या इस 1000 से 1200 रुपये की प्राइस रेंज में हमें इस 2-in-1 ड्रोन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो यार, प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है, और साथ ही में ये ड्रोन काफ़ी इजी टू कंट्रोल भी है। और यही तो आप कम पैसों में एक बढ़िया मिनी ड्रोन को ढूंढ रहे हो, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।